डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ स्वामी केशवानंद. इन दिस वेरी फर्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोइट्री पार्ट. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बुक 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट, इसके दो पार्ट हैं. एक होता है प्रोज पार्ट, एक होता है पोइट्री पार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोइट्री पार्ट डिस्कस करेंगे. लगभग 11 पोइम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे पोइट्री पार्ट में. तो पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो. पहली पोयम है पोइट्री सेक्शन के अंदर का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो. इस पोयम को कंपोज किया है अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. तो इस वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई जो पोयम है उसको डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, तो ये जो पोयम है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पोयम का थीम क्या है, पोयम का मैसेज क्या है, पोयम क्या कहना चाहती है. देखिए, तो पोयम का फर्स्ट स्टेंजा मैं आपके सामने लिखता हूं. पहले द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. ये फर्स्ट स्टेंजा है पोएम का. द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी राइम स्कीम देखते हैं. राइम स्कीम, पोएम की राइम स्कीम. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? जैसा कि आप प्रीवियस क्लास 9th में स्टडी कर चुके हो कि राइम स्कीम को कैसे निकाला जाता है, ये तुकबंदी होती है ना. देखिए, तो लास्ट जो वर्ड्स हैं उनकी राइम ही निकालनी है. तो क्रो, राइम स्कीम ए से स्टार्ट होती है और आगे हम बढ़ते जाते हैं, ए बी ऐसे सी ऐसे बढ़ते जाते हैं. तो क्रो, इसको हमने ए माना क्रो. अब सेकंड लाइन का वर्ड है लास्ट मी, जो कि क्रो के साउंड से डिफरेंट है, तो हमने इसको माना बी. अब थर्ड जो वर्ड है थर्ड लाइन का, वो है स्नो, जो कि क्रो से मैच खा रहा है, क्रो से राइमिंग इसकी मैच खा रही है. तो क्रो और स्नो सेम हो गए, तो इसलिए इसको भी नाम हमने दे दिया ए. अब ट्री, ट्री की राइमिंग मैच खा रही है मी से, तो इसको भी हमने क्या नाम दिया? बी. तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेंजा है इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी. ये इसकी राइम स्कीम हो गई. क्या हो गई? ए बी ए बी, ये इसकी राइम स्कीम हो गई. अब बात करते हैं पोयम की थीम, पोयम की जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसके बारे में है. देखिए, बड़ी ही मोटिवेशनल पोयम है ये, बड़ी ही मोटिवेशनल पोयम है, इंस्पायरिंग, बड़ी मोटिवेटिंग पोयम है. पोयम में पोइट क्या कहता है? देखिए, द थीम ऑफ द पोयम इज अबाउट हाउ ए वेरी स्मॉल एक्ट कैन चेंज अवर लाइफ. हाउ ए वेरी स्मॉल एक्ट कैन चेंज अवर लाइफ. समटाइम्स ए वेरी स्मॉल इंसिडेंट
ए वेरी स्मॉल एक्ट कैन चेंज अवर मूड। पोएम में बताया गया है कि कैसे कि कभी कभी छोटे जो कार्य होते हैं, जो स्मॉल एक्ट होते हैं, जो स्मॉल इंसिडेंट होती हैं, छोटी घटनाएं होती हैं, वो कैसे हमारे लाइफ को चेंज कर सकती हैं और कैसे हमारे मूड को बदल सकती हैं। छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे एक्ट कार्य भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे मूड को बदल सकते हैं, है ना। अब पॉइंट ये भी कहता है कि जीवन में छोटे छोटे कार्यों का बड़ा लार्जर सिग्निफिकेंस होता है, बड़ा महत्व होता है छोटे छोटे कार्यों को, हमें उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए, है ना। पॉइंट कहता है कि ए स्मॉल थिंग, ए स्मॉल इंसिडेंट कैन हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ। एक जो छोटा इंसिडेंट होता है, छोटा कोई कार्य होता है, कोई एक्ट होता है, वो भी हमारी लाइफ में एक लार्जर सिग्निफिकेंस रख सकता है। कहने का मतलब छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। देखिए कैसे। अब इस पोएम में होता क्या है, पोएम का थीम सुनिए कि पोएम में जो पॉइंट होता है वो बड़े सैड मूड में, बड़ा सोरोफुल मूड में होता है। कहने का मतलब द पॉइंट सेज दैट ही वॉज इन ए सोरोफुल मूड, वो एक दुखी मन में था, सोरोफुल मूड में था। एंड ही वॉज पासिंग बाय ए ट्री, वो एक पेड़ के सहारे होकर के गुजर रहा था। द ट्री वॉज हेमलक ट्री, द ट्री वॉज हेमलक ट्री, हेमलक ट्री पेड़ के नीचे होकर के वो गुजर रहा था, उसके पास होकर के वो गुजर रहा था और वो बड़े सोरोफुल मूड में था। कैसा मूड था पॉइंट का, सोरोफुल मूड। कहने का मतलब सैड मूड, दुखी मन में था वो। और वो एक हेमलक ट्री के पास होकर के गुजर रहा था। द पॉइंट वॉज इन ए सोरोफुल मूड एंड ही वॉज पासिंग बाय ए ट्री एंड द ट्री वॉज हेमलक ट्री, इट इज ए पॉइजनस ट्री, यह एक जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनस, यह एक पॉइजनस ट्री होता है विद वाइट फ्लावर्स, जिसमें सफेद फूल होते हैं। यह एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें वाइट सफेद छोटे छोटे फूल होते हैं। अब ये जो पेड़ है ये पॉइंट के नेगेटिव मूड को शो कर रहा है, क्योंकि पॉइंट एक सोरोफुल मूड में है, तो इसलिए यहां जो ट्री चूज किया गया है वो हेमलक ट्री चूज किया गया है। हिंदी में कहते हैं धतूरे का पेड़, धतूरे का पेड़ होता है, जहरीला पेड़ होता है। अब ये जहरीला पेड़ है जो हेमलक, ये कवि के नेगेटिव मूड को एक्सप्रेस कर रहा है। किसको एक्सप्रेस कर रहा है, नेगेटिव मूड को, मतलब ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है जो हेमलक ट्री है। अब होता क्या है कि जैसे ही वो पेड़ के पास होकर के गुजर रहा होता है तो देन ए क्रो, एक कोआ, देन ए क्रो केम एंड सेट डाउन ऑन द ट्री, एक कोआ आया और वो ट्री के ऊपर बैठ गया। एंड द क्रो शुक द ट्री, कोई ने पेड़ को हिलाया, एंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और कुछ जो कण होते हैं, पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो बर्फ के कण होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन द पॉइंट, कवि के ऊपर गिर गए। एंड इट चेंज्ड, दिस इंसिडेंट चेंज्ड हिज मूड कंप्लीटली, और इस घटना ने उसके मन को बदल दिया। मन को कैसे बदल दिया, मतलब बिफोर द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ही वॉज इन सैड मूड, बर्फ के उन कणों के, पार्टिकल्स के गिरने से पहले द पॉइंट वॉज इन ए सैड मूड, पॉइंट बड़े दुखी मन में था। बट एज सून एज द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे उसके ऊपर वो जो बर्फ के कण थे वो गिरे, ही बिकेम हैप्पी, ही बिकेम चीरफुल, वो खुश हो गया, उसना जो अपना सैड मूड था वो चेंज कर लिया,
पॉइंट नेगेटिविटी के बजाय अब पॉजिटिविटी से भर दिया। मतलब जो ये घटना हुई, एक सिंपल सी इंसिडेंट हुई थी, कौन सी इंसिडेंट थी बच्चों बताइए? वो इंसिडेंट थी द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ द स्नो ऑन हिम। क्या इंसिडेंट थी? द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की डस्ट थी यानी जो पार्टिकल्स थे उनके गिरने की जो इंसिडेंट थी, इस इंसिडेंट ने चेंज द पॉइंट्स मूड कंप्लीटली। बिफोर द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ द स्नो द पॉइंट वॉज इन ए सैड मूड, द पॉइंट वॉज इन ए सोरोफुल मूड, बट एज सून एज द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम इट चेंज्ड हिज मूड कंप्लीटली। ही फिल्ड विद पॉजिटिविटी, वह पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भर गया इस घटना के बाद। यानी ये बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, हमारे मूड को चेंज कर सकती है, ये हमें बताया गया है। कहने का मतलब जो पोइम है वो हमें यह सिखाती है, पोइम हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारी सोल को, हमारे मूड को चेंज कर सकती है। द पोइम टीचेस अस हाउ ए वेरी सिंपल एक्ट कैन चेंज अवर सोल, कैन चेंज अवर मूड एंड कैन फिल अस विद पॉजिटिविटी। कैसे छोटी छोटी घटनाएं हमारे आत्मा को, हमारे मन को परिवर्तित कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं और हमें पॉजिटिविटी से भर सकती हैं। अब ये तो आपको मैंने ओवरऑल पोएम की समरी बताई, अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम, लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। देखिए फर्स्ट स्टेंजा है, आप अपनी नोटबुक निकाल लेना, मैं बोलूंगा और आप लिख भी लेना, बाकी मैं बोर्ड पे तो लिखूंगा ही। देखिए द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी The dust of snow from a hemlock tree। ये फर्स्ट स्टेंजा है। देखिए बच्चों, दिस इज वेरी सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, दिस इज वेरी सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। अब इसका एक स्टेंजा और है, उसका इंपैक्ट बताया जाएगा आपको, वो बाद में डिस्कस करेंगे उसको। This is very simple and short poem, but very motivating poem। लेकिन बड़ी motivate करने वाली poem है, inspiring poem है, है बड़ी छोटी और बड़ी simple सी है, लेकिन आपको inspiration देती है, आपको motivate करती है। किस बात के लिए motivate करती है? कि कैसे छोटे छोटे act, कि कैसे simple भी act आपके mood को, आपकी life को चेंज कर सकते हैं, बस यही बताया गया इसमें। देखिए तो आपको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आपको इसकी एक्सप्लेन बताई जा रही है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में सुनिएगा, ठीक है? तो देखिए पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों ही देख रहे हैं, इसलिए देखिए कि कवि दुखी मन में था, कवि दुखी मन में था और वह एक पेड़ के पास होकर के गुजर रहा था, दुखी मन में था। और जो सीजन था, जो मौसम था, वो विंटर का था, सर्दी का मौसम था। और जो चारों तरफ का जो एरिया था, जो पेड़ थे,
सारे के सारे स्नो से, बर्फ से कवर्ड थे, ढके हुए थे। तो पॉइंट बड़ा सैड मूड में था, वो निराश होकर के एक डिप्रेसिव मूड में, एक निराश मूड में, सैड मूड में वो ऐसे ही चल रहा था, घूम रहा था। तो क्या हुआ कि वह एक पेड़ के नीचे होकर के गुजर रहा था और उस पेड़ का नाम था हेमलक ट्री। एक धतूरे का पेड़ था, उसके नीचे होकर के वो, उसके पास होकर के वो गुजर रहा था। तो होता क्या है कि उसी टाइम एक क्रो, एक कौवा उस पेड़ के ऊपर आकर के बैठ गया, और जैसे ही वो उसके ऊपर आकर के बैठा तो उसके मूवमेंट ने, कौवे के बैठने ने, उसके मूवमेंट ने क्या किया कि पेड़ के ऊपर स्नो जमी हुई थी, जो पेड़ था उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी, वो बर्फ कवि के ऊपर, पॉइंट के ऊपर गिर गई। अब इस बर्फ के गिरने से एक छोटी सी इंसिडेंट हुई है, ये कवि के ऊपर वो बर्फ के जो पार्टिकल्स थे वो गिर गए। इस घटना ने जो कवि का मूड था, सैड मूड, सोरोफुल मूड था, उसको चेंज कर दिया। अब इसको हम इंग्लिश में समझते हैं, आपको लिखना भी है ना। देखिए, दिस इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोयम, बट ए वेरी मोटिवेटिंग पोयम। यह एक सिंपल और शॉर्ट पोयम है लेकिन बड़ी मोटिवेटिंग पोयम है। देखिए क्या होता है, द पॉइट सेज दैट, पॉइट कहता है, पॉइट कहता है, ही वॉज इन सोरोफुल मूड। ये बच्चों काम किए, ये आपको लिखनी है। द पॉइट सेज दैट ही वॉज इन ए सोरोफुल मूड एंड पासिंग बाय ए ट्री, और वो एक पेड़ के पास से गुजर रहा था। द पॉइंट सेज दैट ही वॉज इन ए सोरोफुल मूड एंड पासिंग बाय ए ट्री। The tree was a hemlock tree. पेड़ था जो धतूरे का था, hemlock tree. It is a poisonous tree. It is a poisonous tree with small white flowers. इट इज ए पॉइजनस ट्री, यह एक जहरीला पेड़ होता है, विद स्मॉल, जिसमें छोटे छोटे सफेद फ्लावर्स, फूल होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कवि कहता है कि वह दुखी मन में था और वह एक पेड़ के पास होकर के गुजर रहा था, पेड़ का नाम था हेमलक ट्री, और यह एक जहरीला पेड़ होता है जिसमें सफेद छोटे फूल होते हैं। इट वॉज द सीजन ऑफ विंटर, सर्दी का मौसम था। इट वॉज द सीजन ऑफ विंटर। द ट्री टॉप एंड देयर वॉज स्नो ऑल अराउंड, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इवन द ट्री टॉप्स, पेड़ के जो टॉप्स थे, पेड़ की जो ऊपर की चोटियां थी, इवन द ट्री टॉप्स वर कवर्ड विद स्नो, जो
पेड़ों के टॉप्स थे वो भी स्नो से, बर्फ से ढके हुए थे। देन ए क्रो केम एंड सेट डाउन, तब एक कौआ आया, देन ए क्रो केम एंड सेट डाउन ऑन दिस ट्री, इस पेड़ के ऊपर। देन ए क्रो केम एंड सेट डाउन ऑन दिस ट्री, तब एक कौआ आया और इस पेड़ के ऊपर बैठ गया। Then a crow came and sat down on this tree. It crow के लिए use कर रहा हूँ मैं। It shook the tree. Shake का second form होता है shook. Shake का मतलब होता है हिलाना, मूव करना। इट शुक द ट्री एंड सम पार्टिकल्स, इट शुक द ट्री एंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन द पॉइंट। कोए ने पेड़ को हिलाया और उसके मूवमेंट से, हिलाने से, जो स्नो के पार्टिकल्स थे, जो बर्फ के कण थे, वो पॉइंट के ऊपर फेल डाउन का मतलब गिर गए, फेल डाउन ऑन द पॉइंट, कवि के ऊपर गिर गए। दिस वॉज ए वेरी सिंपल इंसिडेंट, इवेंट लिख दो चाहे इंसिडेंट लिख दो। This was a very simple event, but it लगा रहा हूं मैं इस इवेंट के लिए, मतलब इट का मतलब क्या है, इट का मतलब हो गया the falling of the dust of snow, but it had ए ग्रेट इम्पैक्ट, बट इट हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम, लेकिन इसका कवि के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट स्टेंजा था जो डिस्कस किया है, अभी इसका थीम और जो मैसेज है वो भी डिस्कस करेंगे। आपको बता तो दिया है ऑरली, लेकिन रिटर्न रूप में भी हम डिस्कस करेंगे, और सेकंड स्टेंजा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।